बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है और इसमें 2 कप ही पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे। हमने इसको शीरा नहीं बनाना है, सिर्फ हमने चीनी को घुलाना है। 2 कप चीनी ली है हमने, वजन में देखें तो ये 400 ग्राम है और बगैर दूध के बनाएंगे हम। पहले हमारे चैनल पे दूध वाले भी हैं लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। आप इस ईद पे ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हमें इसको पकाते हुए। हमने एक तार की चाशनी में ही बनाना है इसको, बस 4-5 मिनट पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे ये फ्रेश लेमन जूस है 1 टेबल स्पून और ये इलायची पाउडर है, हरी इलायची का पाउडर है 1/2 टीस्पून। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। अब स्लाइस डालते हैं इसमें ब्रेड के। अब ये देखिए इनको फ्राई करके डालेंगे हम। 8 स्लाइस लिए हमने ब्रेड के। घी डालेंगे हसबे ज़रूरत और ये बादाम और पिस्ते हैं, हमने इनको भिगो के छील के काट लिया है। तकरीबन ये 10-12 बादाम थे और 15-20 के करीब पिस्ते थे। और ये थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे तो फ्राई करते हैं। आधा कप घी डाला है हमने, बहुत धीमी आंच पे फ्राई करना है क्योंकि ब्रेड जो है वो जल्दी जल जाती है और हमें लाइट ब्राउन लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना अच्छा कलर आया देख। दोनों साइड से इसी तरह से कर लेंगे गोल्डन ब्राउन, फिर शीरे में डाल दें। ये देखिए अच्छी तरह निचोड़ के डालेंगे। बाकी का घी भी डाल देंगे, 1 कप घी लिया था हम। सब डाल देंगे। ये देखिए सारे स्लाइस हमने इसमें डाल दिए। अब ये थोड़े से सख्त हैं, थोड़ा सा डालते हैं इसमें 1/2 टीस्पून केवड़ा और बादाम पिस्ते डालते हैं। इनको आधे घंटे बाद सर्व करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए सारे स्लाइस। इसके हमने पीसेस कर लिए। बहुत मज़े की डिश है ये और झटपट बनती, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। आधे घंटे में ये बन जाती है। अगर आप इसको आधे घंटा और रखें बनाने के बाद
तो ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे गुलाब जामुन, और बच्चे तो इसको छोड़ते ही नहीं है। तो चलें सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शाही टुकड़े बगैर दूध वाले रेडी हैं खाने के लिए। इस बकरीद पर आप ये बनाइए, और ये बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होते हैं। अगर आपने फ्रिज में रख लिया तो ये एक महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे। 13 सर्व करने से पहले थोड़े से चांदी के वर्क लगा दें। बहुत ही मज़े की डिश है, जितनी तारीफ करूँ इसकी कम है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिले। बनाइए, खाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वाओ यम्मी।